हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीरोन्स फॉर्मूला ही चल रहा है। उसके अंदर पार्ट थर्ड को ले रहे हैं हम। ऑलरेडी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में यूज़ आता है। उसके बाद मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले को डिराइव किया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी पिछले वाले सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया। अगर इससे पहले आप उस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उनको देख लीजिए, आपको इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज मैं बात कर रहा हूँ आइसोसेल्स ट्रायंगल की, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है आप जानते हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और जो इक्वल साइड्स होंगे, जैसे सपोज ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, आपस में भी इक्वल होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल की। अगर इसमें तीनों साइड्स अपने को गिवन हो आइसोसेल्स ट्रायंगल की, ठीक है, या फिर दो एक साइड दे रखी हो, पैरीमीटर गिवन हो, तीनों में मतलब ये दो तो इक्वल साइड दे रखी हो, इक्वल दे रखा हो, ये साइड दे रखा हो, तो उस केस में हम इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला या तो हीरोज फॉर्मूला से जो नॉर्मल उससे निकालें, या फिर इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू बी अपॉन फोर अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये होता है आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको डिराइव करके मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आया, फिर इस पर एक क्वेश्चन भी ले लेंगे अपन, क्लियर। लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, अगर पहली बार अपने चैनल पे आप आए हैं ना तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन आया उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ठीक है, तभी ये चैनल आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ कहाँ से आई है अगर वो हमें पता पड़ जाए तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ लगता है, जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है। मैं सपोज मान लेता हूँ ये साइड और ये साइड इक्वल साइड्स हैं, जिसको मैंने ए से डिनोट किया और जो इक्वल नहीं है उसको बी से डिनोट किया, क्लियर। अपन ए बी सी लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल साइड्स हैं ये दोनों, इसलिए मैंने ए एक ही नोटेशन लिया ए। तीनों इक्वल होती तो तीनों को ए ले लेता, क्लियर। अब हीरोन्स फॉर्मूला में अपन जानते हैं एस निकालते हैं, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है। तो अब देखिए आप, ए प्लस बी है मेरे पास और सी वाले को मैंने वापस ए एज्यूम किया है अपॉन टू। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ए टू ए अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू आ जाएगा। ये थोड़ा छोटा लिखा है और बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी, टू ए प्लस बी अपॉन टू, क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज जानते हैं, हीरो बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। हमारे पास क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एस है मेरे पास क्या है, अभी क्या आया, टू ए प्लस बी अपॉन टू, ओके, ये एस हो गया। उसके बाद एस माइनस ए, अब इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लेता हूँ, एस माइनस ए मतलब टू ए प्लस बी अपॉन टू माइनस ए, ए की प्लेस पे ए है, सेकेंड प्लेस ऑफ बी यही है, टू ए प्लस बी अपॉन टू माइनस ऑफ बी। सी वाला, सी वाला क्या है, ए ही है, यही वाला वापस लिख दो, टू ए प्लस बी अपॉन टू माइनस ऑफ ए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से, कैसे दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक ये वाला स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है ये एज इट इज टू ए प्लस बी अपॉन टू, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें देखिए आप ए अकेला है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मन एलसीएम ले लीजिए, टू ए प्लस बी माइनस टू ए, सेम एज हियर टू ए प्लस बी माइनस टू बी, और लास्ट वन इज सेम टू ए प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू, ठीक है, सबके नीचे टू है। अब भाई इधर तो जगह मेरी खत्म हो गई, मुझे लगा नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसी के आगे टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये तो सेम ऐसे कैसे, टू ए प्लस बी अपॉन टू,
इसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं। अब आगे पड़ोसी के पास चलते हैं, 2a 2a दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा b अपॉन 2, सेम थे प्लस का माइनस, b अपॉन 2 बच गया, ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया। इधर देखिए 2a और प्लस b और माइनस 2b, तो इसका कोफिशिएंट माइनस 2, इसका प्लस 1, दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b अपॉन 2, ओके 2a माइनस b अपॉन 2। अब इधर देखिए इस वाले में सेम, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया b अपॉन 2, यहाँ आ गया आपका b अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाली स्टेप देखिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ये देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, बस साइन का टेंशन है, तो कोई टेंशन नहीं। देखो b और b, तो b इंटू बी अपॉन, नीचे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2। अब इन दोनों का आप देखें 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ओके। अब ध्यान दीजिएगा आप आगे वाले स्टेप में, बी बी 2 की पेयरिंग इधर है, तो रूट में से एक बाहर निकाल दो, इधर 2 2 की पेयरिंग, एक 2 इस तरफ से और एक 2 इधर से, रिमेनिंग अंदर देखिए आप, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे सोल्व कीजिए तो क्या होगा, b अपॉन 4 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में दोस्तों? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो मैंने यहाँ डिराइव कर दिया, b अपॉन 4 रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ लिखिए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, तो आपको रिजल्ट याद रखना है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन ले लूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले ही लिख लिया है। आपको लैंग्वेज फॉर्म में मिल सकता है कि इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो जो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया, आपको क्या लिखा है, पेरीमीटर गिवन है आपको, ईच इक्वल साइड जिसको ए से, इक्वल साइड को ए से ज्यूम किया था और 12, और फिर एरिया चाहिए मुझे। चलो भाई सॉल्यूशन में चलते हैं। आप जानते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, भाई टू साइड्स इक्वल होगी, तो ये इक्वल हुई, ये ए जो कि मेरा 12 है, ये भी इक्वल साइड हो गया, इसको भी ए से ज्यूम किया 12, और इस वाले को मुझे नहीं पता, इसको मैंने बी माना, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं तीनों साइड्स का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो क्या हो गया, ए प्लस बी, ए ए बी इक्वल टू हो गया आपका पेरीमीटर, और पेरीमीटर आपको गिवन है क्या है 30, तो 2a प्लस बी सॉरी 2a लिखो या फिर a के प्लेस पर आप 12 लिख सकते हो, प्लस बी इक्वल टू 30, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24, प्लस बी इक्वल टू 30, 24 को उस तरफ ट्रांसफर कीजिए आप, तो b इक्वल टू 30 माइनस 24, रिमेनिंग क्या आ गया आपका b इक्वल टू 6, मेरा b आ चुका है, b आ गया। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसके थ्रू कीजिए, अदरवाइज फिर नॉर्मल हीरोन्स फॉर्मूला का लगाइए। अब मेरे को जो है मालूम है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, बी अपॉन 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब कुछ नहीं करना है, मुझे b मिल चुका है, a ऑलरेडी मेरे पास है स्टार्टिंग में, मैं इनकी वैल्यूज रख दूं, आंसर मुझे अपने आप मिल जाएगा। यहाँ दिख रहा है दोस्तों, एक स्टेप लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं तो मैं इधर इस तरफ ले लेता हूँ, 6 अपॉन 4 अंडर रूट, ठीक है, 4 ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर के प्लेस पे a की वैल्यू कितनी थी 12, 12 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मीन्स 6 स्क्वायर, क्लियर, वैल्यूज पुट किया हमने। अब क्या करने जा रहे हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन है 6 अपॉन 4, अच्छा कट करना चाहो तो कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या रिमेनिंग आ गया 3 अपॉन 2। ऊपर देखिए आप 4 इंटू 12 स्क्वायर 140, 4 माइनस 6 स्क्वायर 36, सोल्व कीजिए 32, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117 एंड 4 जा 4 15 माइनस 36, नॉर्मल सॉल्यूशन है 4 5, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा, करिएगा तो आपको 2 टाइम्स तो 2 मिलेंगे और 3 टाइम्स 3 मिलेगा और 1 टाइम 5 मिलेगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो,
नॉर्मल वे में। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, ऐसे इस तरीके से करते हैं ना, पहले टू दिया फिर वापस आगे से आ गया, ठीक है, कर सकते हो ना दोस्तों, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब टू टू की पेयरिंग चेंज की हो रही है, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक टू इसमें से और इधर थ्री इसमें से, अंदर क्या बच गया, थ्री इंटू फाइव जो कि फिफ्टीन बन जाएगा। इस टू से टू कैंसिल हो गया, तो थ्री इंटू थ्री क्या हो गया, नाइन अंडरूट फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था मेरा एक एग्जाम्पल जो कि आइसोसेल्स ट्राइंगल पे था। आप नॉर्मल मैन वे में भी अगर इसको करें आइसोसेल्स ट्राइंगल के फॉर्मूले से तो भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मूले को ही यूज़ करें, पर हाँ अपना समय बचाने के लिए अगर आपको लर्न है तो आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो जब आपको इक्वल साइड दे रखी है और अनइक्वल साइड देखिए, या फिर पेरीमीटर वाला केस मैंने बता दिया। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ तक। इसमें कहीं भी कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स करना ना कमेंट्स करके पूछिए मुझसे, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि अभी आप नाइन्थ क्लास को पढ़ना है, आगे टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आएंगे मैथमेटिक्स में, तो मेरा और आपका साथ रहेगा। ओके, थैंक यू।